आप देख रहे हैं यमुनानगर के टोल प्लाजा से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरु साहिबान के पोस्टर लगे हुए थे, जहां पर पोस्टरों को जो है टोल कर्मियों द्वारा फाड़ दिया गया और जिसको लेकर सिख समुदाय में काफी ज्यादा रोष प्रकट है। आपको बता दें कि टोल पर जो है किस तरीके से पोस्टर लगे हुए थे गुरु साहिबान के, जिनको टोल कर्मचारियों द्वारा जो है फाड़ दिया गया था, जिसको लेकर सिख समुदाय काफी गुस्से में जो है वो दिखाई दे रहा। टोल पर जो है इस वक्त भारी संख्या में जो है सिख समुदाय से जुड़े लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके। आपको बता दें कि शहीदी सप्ताह चल रहे हैं गुरु साहिबान के, छोटे छोटे साहिबजादे व माता गुजरी कौर जो के उनके द्वारा जो है उनके शहीदी समागम था वो यहाँ पर चलने वाला था, जिसका पोस्टर जो है सड़कों पर लगाए गए थे और उसके बाद जो है टोल कर्मचारियों द्वारा जो है उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। गुरु साहिबान के जो पोस्टर थे उनको फाड़ने का जो है मामला हरियाणा के यमुनानगर में जो देखा गया। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जय जय खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईवे को रोक दिया गया है, गुस्सा है काफी। पाजी क्या हुआ, पाजी क्या हुआ, क्या कुछ कहेंगे? कहना की है कदम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है, माता गुजरी साहबजादा ने पोस्टर लगे क्यों पाड़े, किनू पूछ के पाड़े ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੇ ਸਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ ਸਾ ਸੜਕ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪੱਟੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰ ਮਿਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਮ ਬੰਗਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫੇਂਕ ਦਈਏ ਕੁਬਾੜ ਕੁਬਾੜ ਵਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਂਕ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਹੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਦੀਗੇ ਹਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇ ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭੀ ਕੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੋ ਹਮ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ और इस पूरे घटना को उस बंदे को सामने लेके आएंगे चाहे पुलिस अपना काम लगातार बेदबी जा रही है हरियाणा में भी शुरू हो गई है इस तरीके से देखो बात ऐसे है कि ये सब एजेंसियां की काम है ठीक है हरमंदर साहब में ठीक है दरबार साहब में बेदबी होगी उसका सबसे कपूरथले होगी इतनी जगह पर बेदबी होगी सबसे बड़ा काम एजेंसियां का है ये पूरे देश में दरार डालना चाहते हैं और कुछ बड़ी बात नहीं है बस तो इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली किसने पड़ा किसे कोई जिम्मेवारी नहीं है कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं निकाली 11 बजे का पता लग चुका है सारा कुछ इन्होंने पोस्टर उतारे तो हमें मोबाइल नंबर बकायदा लिखे होते हैं उसपे जी तस्वीरें नहीं किए जी तो देख सकते हैं कि सिख समुदाय में काफी ज्यादा गुस्सा है टोल जो है इस वक्त रोक दिया गया है लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं बस को रोक दिया गया है एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि टोल पर किस तरीके से टोल पर जो है गुरु साहिबान के पोस्टर फाड़ने के बाद जो मामला भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है अम्बाला चंडीगढ़ की बस को जो है इस वक्त रोक दिया गया है एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बस को भी रोका गया है क्योंकि टोल पर जो है इस वक्त सिख समुदायों का गुस्सा है और कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। ये टनकपुर डिपो की हल्द्वानी से सहारनपुर की जो बस है वो इस वक्त जा रही थी और बस को जो है कहीं ना कहीं रोक दिया गया है पूरे टोल पर जो है इस वक्त अफरा तफरी का माहौल सा बन गया पाजी बस को रोक दिया गया है तो देख सकते हैं कि किस तरीके से टोल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से का माहौल इस वक्त देखा जा सकता है कहीं ना कहीं एक गुस्सा है सिख समुदाय के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है कि टोल कर्मचारियों द्वारा जो है पोस्टर फाड़ने का मामला जो हरियाणा के यमुनानगर टोल प्लाजा पर देखा गया उसको लेकर बस को रोका गया तमाम टोल को जो है जाम कर दिया गया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं 471 के माध्यम से तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक जो है यहाँ पर टोल को चारों तरफ से बंद कर दिया गया जी हाँ चारों तरफ से बंद कर दिया गया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व एक समागम था दुसड़का गुरुद्वारा साहिब में समागम था जिसके पोस्टर जो है टोल प्लाजा के आसपास लगे हुए थे टोल कर्मचारियों द्वारा वो पोस्टर फाड़ दिए गए और उनको कहीं ना कहीं कचरे के वाली जगह पर जो है वो डाल दिए गए
पूरा टोल जो है इस वक्त सिख समुदाय के कब्जे में। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में बेदबियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर हरियाणा में भी जो है इस वक्त ये सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे जाए, इस खबर को शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कि तनाव का माहौल जो है टोल टैक्स पर इस वक्त देखा जा सकता है। आपको फिर से बता दूं कि यमुनानगर से कुछ ही दूरी पर दो सड़का गुरुद्वारा साहिब का जो समागम था, समागम के पोस्टर लगाए गए थे, प्रत्येक पोस्टर पर जो है गुरु साहबान के जो है फोटोज थी, उनको टोल कर्मचारियों द्वारा जो है फाड़ दिया गया। और फाड़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं कचरे में, भाजी क्या कुछ कहेंगे, गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं टोल को रोका जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत रोष है हमारे अंदर। ठीक है, इन्होंने जो किया गलत किया, तो माफ़ी मंगवाएंगे। हाँ, माफ़ी मंगवाएंगे इनसे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिखों के मन में कहीं ना कहीं रोष है कि गुरु समुदाय, गुरु साहिबान का जो है बेदबी किए गए हैं, पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है, तमाम टोल को जो है इस वक्त कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।